एवरीवन नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स मेथड पेपर है या बीएड प्रीवियस ईयर है एन पी यू यानी नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बीएड सेशन 2020-22 का प्रश्न है और यह मेथड पेपर है मैथमेटिक्स का है ना CUNB। तो आप सभी जानते हैं जिसमें आपको 40 नंबर का मार्क्स रहता है टोटल, जिसमें 18 नंबर पासिंग रहता है और इसमें टोटल देखा जाए तो 3 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं जिससे 30 नंबर टोटल और 5 नंबर के 2 प्रश्न जिससे आपका 10 नंबर, ओवरऑल 40 नंबर जिसमें आपको 18 नंबर पासिंग है और 1.5 घंटे का प्रश्न होता है। तो चलिए देखते हैं मेथड पेपर और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है अगस्त 2022 में, ये बीएड का 2020-22 सेशन का है दोस्त और ये इम्पोर्टेंट है बीएड स्टूडेंट के लिए। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे आप लिख सकते हैं बहुत ही सिस्टमेटिकली। 4 प्रश्नों का उत्तर देना है इस ग्रुप से, है ना। तो इसमें है गणित के विकास में आर्यभट्ट का योगदान स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्यभट्ट के योगदान को इसमें आप सिस्टमेटिकली से लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है डिफरेंट बिटवीन द एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित शिक्षण में विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक उपमागत में स्पष्ट अंतर करना है, 10 नंबर का प्रश्न है। और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ द मैथमेटिक्स, हाउ कैन मैथमेटिक्स लर्निंग हेल्प इन इन्हांस रीजनिंग पावर एंड विजुअलाइजेशन, यानी गणित शिक्षक के क्या उद्देश्य है, गणित शिक्षा अधिगम किस प्रकार तर्क शक्ति और दृष्टिकरण को बढ़ाने में मदद करता है ना। तो उद्देश्य पर्पस लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद एक्सप्लेन द करेक्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं का व्याख्या करना है टेक्स्ट बुक को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सेलेक्ट अ टॉपिक फ्रॉम सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स, प्रिपेयर ए ब्लू प्रिंट ऑफ द अचीवमेंट एंड टेस्ट ऑन द सेलेक्ट टॉपिक ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन इन टेस्ट आइटम फॉर द इट्स, यानी इसमें पूछा गया है कि माध्यमिक है ना स्तर के जो गणित के एक शीर्षक का चयन कीजिए और इस शीर्षक के उपलब्धि परीक्षेपण निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार कीजिए, है ना, परीक्षेपण पदों के निर्माण के लिए, ये प्रश्न है। और 6ठा नंबर कंपलसरी है जो कि बनाना होता है, 10 नंबर का 5 नंबर का 2 प्रश्न। देखिए 6ठा प्रश्न है, इसमें 5 नंबर का 2 है जिसमें निम्नलिखित में से 2 का टिप्पणी करना है। देखिए कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की अवधारणा एंड प्रकृति, एक्सप्लेन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त के क्षेत्रफल के हेतु शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को व्याख्या कीजिए, वेरियस मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, गणित शिक्षा के वृत्तीय विकास के विभिन्न तरीके। और डी में पूछा गया प्रश्न है यूज ऑफ लेबोरेटरी मेथड इन मैथमेटिक्स, यानी गणित अध्यापक में प्रयोगशाला विधि का उपयोग बताना है। तो यह मैथमेटिक्स मेथड पेपर का प्रीवियस ईयर है और NPU यानी नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी BEd सेशन 2022-22 का है। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।